नो कॉन्टेक्स्ट क्रिकेट, नो कॉन्टेक्स्ट क्रिकेट आपका हैंडल है, नो क्रिकेट कॉन्टेक्स्ट CONTXT, नो कॉन्टेक्स्ट क्रिकेट ने कहा है। आस्था पवेलियन में एलिस्टार कुक बैटेड फॉर 200 ओवर्स वर्सेस पाकिस्तान इन 2015 टेस्ट मैच। मिसबाह उल हक, यू वर द कैप्टन, व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज डिड यू यूज टू गेट हिम आउट बट ही वाज स्टिल रॉक सॉलिड? Any funny memories you have from that match? Yes, you and Real Shoaib Malik both. I have very funny memories of that game. वो ये था कि जुल्फ़िकार बाबर जो थे वो बड़े अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर, तो अब हमारी वो पिद्दी पंजाबी में कहते हैं कि हम लोग बस फील्ड ही करते जा रहे थे और वो वहाँ से कभी इधर रन बना रहे थे, कभी उधर रन बना रहे थे। सो आई 60 से ऊपर ओवर खाली जुल्फिकार बाबर, जी जुल्फिकार बाबर ने उस इनिंग में ऑलमोस्ट 60 ओवर, 50 के ऊपर ही ओवर्स किए थे। सो व्हेन ही केम टू बॉल हिज 35th और 36th ओवर, तो अब ना वो बॉल घुमाते हैं ना हम लोग स्पिनर्स, ग्रिप और अच्छा बने। ये डेमो दिखाए। हाँ, मैं ऑफ स्पिनर तो मैं यूं घुमाता हूँ, लेफ्ट आर्म स्पिनर यूं घुमा रहे थे बॉल, तो अपने ना स्टार्ट पे जा रहे थे, मैं मिड ऑन पे खड़ा था और टेस्ट मैच में फील्डर्स ऊपर होते हैं तो मैं खड़ा हुआ, तो अब वो बॉल घुमाते घुमाते ना अपने आप को क्या कह रहे हैं, और तू किन्ने ओवर कराएंगा, 35 ओवर हो गए ने, एक भी आउट नहीं किया, बाद चाहे ना कि कप्तान ने तेनों और बॉलिंग नहीं दी। अचानक जो है ना, मैंने देखा पवेलियन एंड से बॉलिंग कर रहा था जुल्फिकार बाबर, तो मैंने देखा बॉलर नहीं आया, मैं अब खड़ा हूँ अंपायर के पास, तो मैं देख रहा हूँ जुल्फिकार नहीं आया, देखा तो वो बाउंड्री की तरफ ना, उसने जब देखा कि कप्तान, उससे मुंह ना पीछे की तरफ कर लिया। अच्छा, मुंह सर्व कर लिया ऑपोजिट साइड पे, मैंने जोर से आवाज दी, ओए बबरा, ओए सरफगा। अच्छा, उसने एक दो बार दूसरी बार सुनी, पीछे देखे, मैं जी और कौन तुसी हो, आगे आया आया तो मैंने कहा देख, अब ये ना हो कि तुझे कोई डाउट रह जाए, जब तक ये आउट नहीं होते ऑल आउट या डिक्लेयर नहीं करते, इस साइड से तू ही है बॉल। अच्छा, वो जो बॉल घुमाते घुमाते उन्होंने एक दो वर्ड्स जो है ना वो मैं नहीं बोल सकता था, उन्होंने अपने आप को वो बोले थे अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। इमेजिन के क्या बोला होगा। आई नो वी आर ऑल इमेजिनिंग नाउ, जो नहीं भी आना था एंड में बोल देना, एंड में सिर्फ कहते हैं मलिक साहब, वो खास जुमला भी था पूरे टेस्ट में जो हम बोल रहे थे, टेंथ होगा ग्राउंड कब होगा, ग्राउंड मैन को देखा ना मैंने पिच, मैंने उसको कहा यार टर्निंग पिच बनानी है, तो वो पिच जब मैं गया तो शीशा पिच, मैंने कहा यार ये क्या बनाया तुमने, टेंथ होगा, मैंने कहा 10वें दिन होएगा, उसका 5 दिन से नहीं हो रहा, और फिर वो जब नहीं आउट हो रहे थे ना तो हम आवाज़ लगाए उस ग्राउंड में बैठा हुआ उसको याद दे ऊंची आवाज़ में, 10th होगा। एक और बड़ी मजे की बात है उस सेम टेस्ट मैच की, अब वो इंग्लैंड के साथ टेस्ट मैच था, तो स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी बड़ी बॉलिंग की, जिमी एंडरसन ने, ये मार्क वुड था, तो अगले दिन अब मैं पूरा दिन बैटिंग कर गया था, अगले दिन मैं फिर गया बैटिंग करने, तो स्टुअर्ट ब्रॉड ना मेरे पास आया, गर्मी बहुत थी अबू धाबी में, अगस्त में सीरीज थी, बड़ी गर्मी, मेरे पास आया, कहता है मैट डिड यू स्लीप ओके, आई सेड या आई स्लेप्ट ओके, ही सेड आई डिड नॉट स्लीप बिकॉज आई वॉज वेरी टायर्ड। सब कुछ किया पर बस टर्न नहीं हुआ, हमने यूं विकेटें यूं लगी हुई थी ना, मतलब हफीज भी खेल रहा था ना, हाँ फीस भी, विकेटें यूं लगी हुई थी ना, तो काफी बॉलिंग की हमने, नहीं आउट, तो हफीज आ कहना विक्टर एंजला आके बॉलिंग कराई ना, फिर भी नहीं आउट हो।